दोस्तों, इसके पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे आइसक्रीम मैन सोन को किडनैप करके गाड़ी में रख लेता है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, कमेंट में लिंक है। अगर वो नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखते हैं उसके आगे। कुछ घंटों बाद सुबह हो गई और बुल्ली जब नींद से जागा तो वहाँ पे देखा कि सोन नहीं है। लेकिन बुल्ली को ये सब देखकर कुछ अजीब नहीं लगा। उसने सोचा होगा हो सकता है सोन नीचे गोबर करने गया हो, क्योंकि वो सुबह उठते उठते 1.5 किलो गोबर करता है और बाकी काम वो बाद में करता है। गुल्ली बेड से नीचे उतरा और जूते पहने और दरवाजे की तरफ निकल गया। लेकिन गुल्ली ने जब दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो बाहर से बंद था। लगता है सोन ने बाहर से बंद करके गया है। फिर गुल्ली खिड़की की तरफ गया। खिड़की की तरफ उसने एक रस्सी देखी जो नीचे की तरफ लटक रही थी। गुल्ली ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पाया। आखिर ये माजरा क्या है? दरवाजा बाहर से बंद है, रस्सी खिड़की पे लटक रही है और अपना पोटी बॉय सोन गायब है। गुल्ली फौरन से बुल्ली के पास गया और कहा, बुल्ली यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, रस्सी खिड़की पे लटक रही है, सोन कल रात से ही गायब है और दरवाजा भी बाहर से बंद है। बुल्ली बोला, तुम्हारा मतलब है कल किडनैपर हमारे घर में आया था और उसने सोन को उठाया और लेकर चला गया और हम सोते रह गए। तुम्हारा कहना यही मतलब है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि किडनैपर ने खिड़की कैसे खोली, ये तो अंदर से बंद थी। तभी बुल्ली बोला, हमें पहले इस घर से बाहर निकलने का कोई तरीका खोजना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और फिर गुल्ली और बुल्ली खिड़की की तरफ जाने लगे। बुल्ली और गुल्ली ने देखा खिड़की पे रस्सी लटक रही है, लेकिन बाहर तो सब ठीक ठाक है, ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई आया है। सोन की कार और हमारी स्कूटर भी अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। गुल्ली और बुल्ली घर से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा घर से बाहर कैसे निकला जाए। फिर बुल्ली बोला, हमें इस रस्सी से एक एक करके नीचे उतरना पड़ेगा। गुल्ली, इस घर से निकलने का हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हम अगर उतरते समय नीचे गिरे तो हमारे पैर हाथ टूट जाएंगे। बुल्ली बोला, और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास, हमें यही करना होगा। रुको, पहले मैं जाता हूँ। फिर बुल्ली नीचे उतरने लगा और वो सही सलामत नीचे आ गया। अब बारी थी गुल्ली की नीचे उतरने की। बुल्ली गुल्ली से कहा, धीरे धीरे नीचे आओ, नहीं तो टपक जाओगे। लेकिन गुल्ली कहाँ मानने वाला था, वो स्पाइडरमैन की तरह नीचे उतरने लगा। रस्सी छोटी होने की वजह से वो नीचे गिर गया। फिर बुल्ली ने जाके उसे हाथ दिया और वो उठ गया। फिर गुल्ली और बुल्ली गेट की तरफ गए। गेट की तरफ देखकर उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि मेन गेट खुला हुआ था। अब उनको पक्का विश्वास हो गया कि किडनैपर ने सोन को किडनैप कर लिया है। बुल्ली ने कहा, वो किडनैपर कल खिड़की के रास्ते घर पे घुसा होगा, फिर सोन को उठाकर गेट के सहारे निकल गया होगा। हाँ बुल्ली, वो बहुत खतरनाक है, हमें उसे जल्दी पकड़ना होगा, नहीं तो अब हमारी बारी है। बुल्ली ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो गुल्ली, लेकिन पहले हमें सोन को ढूंढना होगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, आओ मेरे साथ। जाते हुए बुल्ली ने कहा कि मैं पोस्टर छपवाने जा रहा हूँ और जो भी उस पोस्टर को देखकर सोन को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। और वो दोनों स्कूटर लेकर वहाँ से पोस्टर छपवाने के लिए निकल पड़े। फिर दोनों ऐसे ही बात करते हुए वहाँ से चले गए और 3-4 घंटे बाद पोस्टर छपवा के वो वापस आए। और उस पोस्टर में से आधे पोस्टर उन्होंने उधर ही चिपका दिए थे और आधे पोस्टर अपने साथ लाए थे, जिसे वो सोन के घर के आसपास लगाने वाले थे। और गुल्ली बुल्ली ने पोस्टर उठाए और अपने काम पर लग गए और वहाँ पे चारों तरफ सोन का मिसिंग होने का पोस्टर चिपकाने लगे। गुल्ली और बुल्ली दोनों अपने काम में लगे हुए थे कि तभी गुल्ली को एक गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी और उसने उधर मुड़ के देखा। गुल्ली उस गाड़ी को देखते ही पहचान गया। वो कह रहा था, अरे वो तो वही वैन है जो कल रात को यहाँ पे आई थी। बुल्ली भी उसे देखने लगा। बुल्ली ये सोच ही रहा था तभी आइसक्रीम वैन बुल्ली के पास आकर रुकी। अब क्या होगा, क्या गुल्ली और बुल्ली भी किडनैप हो जाएंगे, ये हम देखेंगे पार्ट 5 में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।